नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना मावे का गुजिया होली पे। तो चलिए हम बनाते हैं बिना मावे का गुजिया। हमने 200 ग्राम मैदा लिया है, 3 चम्मच हमने बेसन लिया है, थोड़े से नारियल के बूरे लिए हैं, और हमने ये आधी कटोरी रवा लिया है। रवा हमारा बारीक वाला है। इसमें डालने के मटेरियल है किशमिश, बादाम, काजू, थोड़े से चिरौंजी लिए हैं, जायफल, इलायची पाउडर स्वाद के लिए। तो चलिए बनाते हैं हम गुजिया। चीनी को पीस के हमने बूरा लिया है। आप चाहें तो बूरा वैसे भी ले सकते हैं, पर हमने चीनी को ही घर में पीसा है और हम स्वाद के अनुसार ही मीठे मीठे को लेंगे। तो चलिए बनाते हैं हम। तो हम गैस जलाते हैं, इसमें डालेंगे हम घी। हम इस चम्मच से घी डालेंगे 1.5 चम्मच। बाकी अगर कम पड़ेगा तो हम और डालेंगे। मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे इसको बनाते हैं बिना बिना खोए के ही। गुजिया गर्म हो गया, बिल्कुल लो कर देंगे हम। तो देखिए, हमने इस चम्मच से 1.5 चम्मच लिया था घी, और इसमें हमारा बेसन 3 चम्मच था, और हमको बस इतना ही गीला रखना है। बिल्कुल लो पे ही हमें इस बेसन को भूनना है। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा बिल्कुल हम लो कर देंगे गैस को, और लो पे ही भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे ब्राउन होने तक। ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करेंगे, जैसे गोल्डन ब्राउन होता है वैसे ही करेंगे इसको। ये देखिए, हमारा घी बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। इतना ही हमें जितना गीला चाहिए इतना ही गीला है ये। देखिए इसमें बबल्स आने लगे हैं, बिल्कुल लो है ये हमारा गैस। अच्छे से भूनेंगे इसको। और बेसन सूजी आप पहले से ही छान लीजिएगा, ताकि उसमें भूनते समय कोई लम्स ना पड़े। बिना मावे के भी बहुत अच्छी गुजिया बनेगी। आप फिर जब भी बनाएंगे आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, अगर मावा आपके पास नहीं होगा तो। तो देखिए, ये मेरा बिल्कुल गोल्डन हो गया है। ये जो बेसन है बिल्कुल गोल्डन हो गया है, जैसा होना चाहिए वैसा हो गया है ये। अब हम इसे निकाल देंगे, फिर हम सूजी यानी कि रवा को भूनेंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, अलग बर्तन में इसे निकाल लेते हैं। बर्तन में हम फिर से 1.5 चम्मच घी डालेंगे इससे। अब हमारा घी गर्म हो गया है, इसमें कम पड़ेगा तो हम और डालेंगे, क्योंकि रवा हमारा ज़्यादा है बेसन से, तो हम इसको डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा हम और डालेंगे इसमें। जैसे जैसे हम सूजी भूनेंगे वैसे वैसे ये घी छोड़ने लगेगा और हल्का होने लगेगा, तो हम अच्छे से इसको भूनेंगे ब्राउन होने तक। हमने इसको घी अच्छे से भून लिया है, हमारा ये रवा भून गया है, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इसको भी भूनना है आपको। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और हमारा ये देखिए ब्राउन हो गया है रवा। अब हम इसको बर्तन में खाली करेंगे। तो चलिए, जब तक हमारा रवा और बेसन ठंडा होता है तब तक हम मैदे का हम डो लगा लेते हैं। ये जो हमने मैदा 200 ग्राम लिया है इसको हम डालेंगे इसमें। स्पून से खाने वाले स्पून से 2 स्पून ये घी होगा हमारा, बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अभी हम इसको मिक्स करके देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि इसमें घी और चाहिए तभी हम घी और डालेंगे, वरना हम इसको अच्छे से पहले इसको अच्छे से मिलाएंगे इसके अंदर, उसके बाद ही हम इसमें घी की ज़रूरत लगेगी तो हम घी डालेंगे। तो हम मैदे में अच्छे से इसको घी को प्रॉपर तरीके से पहले हम मिक्स करेंगे। तो देखिए, इसमें घी अभी कम है, हम 2 स्पून खाने वाले चम्मच से और डाल देंगे, तो इसमें हमारा 4 स्पून घी चला गया। अब हमें नहीं लगता है कि इसमें और ज़रूरत है, अभी हमारा अच्छे से डो तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा आटा बनना चाहिए जिससे बिल्कुल खस्ता गुजिया बने। इसमें 4 चम्मच खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच मैंने घी डाला था, और बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, आप कभी भी बनाएंगे गुजिया तो ऐसे बन जाना चाहिए ये। देखिए, ऐसे अगर दबाएं तो उठ जाए, और ऐसे दबाएं तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। अभी हमारा ठीक है आटा, बिल्कुल मैदा परफेक्ट है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंदेंगे,
हाथ में लीजिए और ऐसे गूंदिए। हमारा बिल्कुल ही आटा लग के तैयार हो गया है। थोड़ा सा हाथ पे घी लगाएंगे और इसको स्मूथ सा बनाएंगे इसको। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल लग के तैयार हो गया। अभी बिल्कुल भी ज़्यादा मुलायम भी नहीं है, देखिए इतना टाइट होना चाहिए। अब हम इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रखेंगे, तब तक हम इसको ढक के रख देते हैं। ये हमारा सेट हो जाएगा आटा, तब हम बनाएंगे गुजिए को। जो हमने ये सूजी और रवा एक ही में निकाल दिया था, अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब इसमें हम डाल देंगे ये नारियल का बूरा, एक चम्मच, दो चम्मच, चार, आप अपने हिसाब से, मैंने चार चम्मच लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। बाकी हमने ये ले लिया है किशमिश, बादाम, काजू, थोड़े से चिरौंजी लिए हैं जो ऐसे ना क्रश कर लीजिएगा, क्योंकि ये गुजिया में खाते समय मुंह में आते हैं ना, बहुत ही स्वाद लगता है। ये मुझे डाल दिया है। ये हमने थोड़े से जायफल लिए हैं, जायफल बहुत आसानी से किसी भी कद्दूकस पे आप घिसेंगे तो बारीक वाले से तो उस पर घिस जाएगा आराम से। थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा डाला है हमने ये छोटी इलायची पिसी हुई। डालेंगे हम इसमें चीनी, चीनी हम 4 से 5 चम्मच डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं मीठा, जितना आपको मीठा पसंद हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी मीठे ही होते हैं इसीलिए। देखिए अब हमने ये सारा सामान इसके अंदर डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे से बिल्कुल इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप एक बार ऐसे गुजिया बनाएंगे ना, पे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए हम कितने आसानी से, वैसे तो हर स्टेज में अपना अलग अलग एक गुजिया बनता है, गुजिया कई प्रकार के बनते हैं, पर आप एक बार ऐसे गुजिया बनाइए। ये देखिए आप जब भी मैदे का डो लगाइए तो आप तो या तो देसी घी में लगाइए, ये डालडा आता है ना उससे लगा लीजिए, तलने के लिए आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। और आप इस डिश में चीनी को पीस के ही डालिएगा, साबुत बिल्कुल भी आपको चीनी इसमें नहीं डालना है, नहीं तो बार बार वो दांत में आता है, वो अच्छा नहीं लगता है। देखिए हमारा ये स्टफिंग तैयार हो गई, अब हम उसको बनाएंगे। आप चाहे तो उसमें बूरा और भी यूज़ कर सकते हैं, आपको लगे कि ज़्यादा गीला हो गया घी की वजह से, तो नारियल का बूरा तो वैसे भी अच्छा लगता है खाने में, पर हम ऐसे ही इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आटा। देखिए हमारा आटा सेट हो गया बिल्कुल, अब हमने 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था। अब हम ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो देखिए हम ऐसे इसको बनाते रहेंगे आराम से, हल्के हाथ से आप बनाइए, घुमा घुमा के रोटी को बेल लेंगे। आप अपने हिसाब से गुजिए को छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर हाथ से बना रहे हैं तो, और हम किनारे थोड़ा पतला लगेंगे अगर हाथ से बनाएंगे तो। अभी देखिए ऐसे बनेगा ये। अब इसमें देखिए हम गुजिए में स्टफिंग भरते हैं इसके अंदर, जो हमारा स्टफिंग बना हुआ है। देखिए इसे आराम से रखेंगे इसमें, 1 से 1.5 चम्मच आ जाएगा इसमें। किनारे में लगा देंगे थोड़ा सा पानी और इसको सेम ऐसे करके और अच्छे से ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए है ना, ऐसे कर लेंगे, फिर इसको इधर से उठाएंगे, हाथों पे रखेंगे, बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल पतला पतला प्रेस करना है किनारी इसकी। ये देखिए अंगूठे की हेल्प से आप कर सकते हैं ऐसे, फिर आप इसको हाथ में ले लीजिए और ये जो है ना आपका, इसको ऐसे करिए, इसको दबा दीजिए ऐसे, फिर इसको लीजिए ऐसे दबा दीजिए, ठीक है, फिर इसको लीजिए ऐसे को ऐसे ही, फिर इसको फोल्ड करना है, फिर इसको और टाइट हाथ से दबाना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर इसको दबा देना है,
फिर ऐसे करना है आपको, ऐसी सेम मेथड से आपको ये बनाते रहना है। देखिए बहुत आसान है बनाना इसको। तो बनी रहे ऐसे, ये देखिए ऐसी बन के आपको सारा कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको दूसरे मेथड से दिखा देती हूँ। अब मार्केट में इजीली आपको ऐसा गुजिया मिल जाएगा, गुजिया की मशीन बनाने वाली, और आप इसके ऊपर रखिए। देखिए इसमें आराम से, इसमें हमारा 1.5 चम्मच आ गया है। बस आप गुजिया बनाते समय ये ध्यान रखें कि मुंह पे इसके बिल्कुल भी जो ये भरने वाली स्टफिंग है मुंह पे बिल्कुल भी ना आए, नहीं तो इसमें चीनी होता है वो पिघल जाएगा। और पानी का हाथ ऐसे लगा दीजिए इस पे किनारे किनारे, ताकि ये बहुत अच्छे से प्रेस कर दीजिए इसको। इसको दबा दिया। पानी सिर्फ इसलिए कि तेल में आप जब भी रिफाइंड में तलेंगे तो ये अच्छे से चिपका रहेगा, तो ये कढ़ाई में बिखरेगा नहीं। इसीलिए हम तेल लगाते हैं कि आराम से ही एक दूसरे के साथ दोनों सिरे चिपक जाएं। इतने मटेरियल में हमारा सारा 15 से 16 गुजिया बनके तैयार हुई हैं। अब हम इसमें गैस जला के, अब हमें हाई फ्लेम पे गरम करेंगे पहले, उसके बाद मीडियम रखेंगे। अब हम डालते हैं इसमें रिफाइंड गरम होने के लिए, तलने के लिए। अच्छे से तेल गरम हो जाएगा रिफाइंड, तब हम इसमें इसको थोड़ा सा ये आटा डाल के देखेंगे कि तेल हमारा सही से गरम हो गया है कि नहीं हो गया है। ये देखिए अभी हमने गैस को हाई पे रख रखा है, अब हम लो करेंगे इसको गैस को। चलिए हम एक एक करके गुजिया को डालते हैं। ये देखिए आराम से धीरे धीरे आप डालिएगा गुजिया को। ये देखिए क्योंकि गुजिया खस्ता होता है इसलिए से जब हल्का सा सिक जाए आराम से खाइएगा ऐसे। देखिए मैं आपको तल के दिखाती हूँ, ऐसे तलिए ऐसे आराम से मीडियम फ्लेम पे ही आपको करना है, ज़्यादा हाई नहीं और ज़्यादा लो भी नहीं रखना है आपको गैस को। देखिए जब आप इसमें बबल से देख रहे ना, इससे पता लगता है कि हमारी गुजिया कितना खस्ता हुई है। बहुत ही इजी है गुजिया बनाना, होली आई है तो गुजिया बनाना तो बनता है। देखिए बिल्कुल ये हमारा ब्राउन हो गया है, ऐसे थोड़ा सा ब्राउन ही मतलब कम ही ब्राउन उतारिएगा, क्योंकि गुजिया अक्सर सिकने के बाद ये अपना अलग सा एक इसका कलर आता है। देखिए तो देखिए हमने पिस्ता से इसको गार्निश किया है। ये देखिए अब देखिए हमारा गुजिया बनके तैयार है, और खाइए एंजॉय कीजिए, हैप्पी होली। देखा हमारा गुजिया बनके तैयार हो गया बिना मावे का, और कितना अच्छा बहुत सरल तरीके से बन गया। और आप खाइए और एंजॉय करिए, और किसी भी तरीके से आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।